नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट 2018 असिस्टेंट लोको पायलट यानी ALP और टेक्नीशियन की जो CBT 1 यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, एक के बाद आपकी कट ऑफ क्या रहेगी। रेलवे ने फाइनल आंसर की जारी कर दी है, जो पेपर हुए थे टेक्नीशियन और ALP की फाइनल आंसर की जारी करने के बाद मैंने ये कट ऑफ का वीडियो आप सबके लिए बनाया है। तो इस तरीके से आपको गणित समझना है रेलवे भर्ती 2018 CEN यानी ALP और टेक्नीशियन का। तो किस तरीके से आपको समझना है, क्या कट ऑफ रहेगी CBT 1 के बाद CBT 2 में जाने के लिए, CBT 2 एग्ज़ाम देने के लिए। तो इस तरीके से पूरा का पूरा गणित आपको समझना है। सबसे पहले देख लेते हैं आवेदन कितने थे। दोस्तों, टोटल देश भर से जो आवेदन हुए थे 47 से 46 लाख के तकरीबन पूरे देश से आवेदन हुए थे ITI पास और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पास जो टेक्नीशियन की पोस्टें थी उनके लिए। अब इसमें परीक्षा में उपस्थिति रही है 36 से लेकर 37 लाख के बीच, 36 से लेकर 37 लाख के बीच, यानी कि तकरीबन 75% उपस्थिति रही है। कुल पद दोस्तों पहले 26,502 थे, बढ़ा करके 60,000 प्लस किया गया था, तो 60,000 प्लस ये यहाँ पर पोस्ट की गई है। अब रेलवे ने बताया है कि 15 गुना अभ्यर्थी पास किए जाएंगे, टोटल वैकेंसी के 15 गुना, तो 60,000 आपकी वैकेंसी हैं तो उनके 15 गुना पास किए जाएंगे। तो 15 गुना को 60,000 जब हम करते हैं तो दोस्तों ये फिगर आएगा आपका तकरीबन 9 लाख अभ्यर्थी पास किए जाएंगे, यानी कि CBT 2 के लिए आप 9 लाख कैंडिडेट यहाँ पे पास किए जाएंगे टोटल में से। अब आपकी कट ऑफ क्या रहेगी दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन होगा, यानी कि जो पेपर हुए थे काफ़ी दिनों तक इनकी एग्ज़ाम चली थी तो नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन का क्या अर्थ है दोस्तों, जैसे किसी अभ्यर्थी के 50 नंबर आ रहे हैं और किसी अभ्यर्थी के 30 नंबर आ रहे हैं, तो इनको राउंड फिगर किया जाएगा और इनको तकरीबन आप उदाहरण के लिए समझ सकते हैं कि इनके 50 के 40 हो सकते हैं, इनके 30 के 35 हो सकते हैं, इस तरीके से ये किया जाएगा। इसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन, यानी कि सभी पेपर्स का जो लेवल्स है एक किया जाएगा और जो नंबर आ रहे हैं तो अलग अलग उनको एक करके CBT 2 के लिए कट ऑफ बनाई जाएगी, फाइनल कट ऑफ जारी की जाएगी रेलवे की तरफ से। तो आप देख लेते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 38 से लेकर 40 मार्क्स आ रहे हैं तो पक्का आप CBT 2 की तैयारी कर दें। अब OBC कैंडिडेट 36 से लेकर 38 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो CBT 2 आपका क्लियर है, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। SC के कैंडिडेट्स 32 से लेकर 34 मार्क्स हैं तो आप CBT 2 की तैयारी करें, और ST 30 प्लस पे बहुत सेफ है। तो ये था आपका कट ऑफ, एक बार फिर से देख लेते हैं। जनरल 38 से 40 के बीच रहेगी, OBC 36 से 38 के बीच रहेगी, SC आपकी रहेगी 32 से 34 और ST 30 प्लस अगर मार्क्स हैं तो CBT 2 की तैयारी जारी रखें, लगातार अपनी तैयारी को जारी रखें, इतने नंबर बन रहे हैं तो। और जल्द ही रेलवे इसका परिणाम भी जारी कर देगा, CBT 1 का परिणाम जारी कर देगा, तो CBT 2 की आप लगातार तैयारी जारी रखें क्योंकि टाइम नहीं मिल पाएगा। और जो कैंडिडेट्स असमंजस में हैं वो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कितने नंबर बन रहे हैं तो अपनी तैयारी फिर से चालू कर दें अगर आपने छोड़ रखी है तो। और आप सभी को CBT 2 की अग्रिम शुभकामनाएँ, आप सफल हों। और आज के वीडियो में बस इतना ही, जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।